मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर विपक्ष के कुछ दलों द्वारा और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह और भ्रम की राजनीति की जा रही है और मैं कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत के एक राजनीतिक दल जिसके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 2003 में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करी थी, क्या वो देश में भ्रम फैलाएगी या अपने नेता से क्लेरिफिकेशन पूछेगी? नंबर दो, कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी द्वारा इस बंद और हिंसा के दौरान आगजनी जैसे विषयों का प्रयोग किया गया, क्या कांग्रेस देश में आगजनी का उपद्रव का समर्थन करती है? तीसरा, क्या एक प्रमुख विपक्षी दल इस विषय पर भारत के बाहर दूतावास पर प्रदर्शन करता है, क्या वो इस नीति को उचित मानते हैं? चौथा, कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार के समय में संसद में विभिन्न प्रश्नों पर और समय समय पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों के द्वारा हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की स्थिति, उनके भारत आने, उनके भारत में रहने पर चिंता व्यक्त की गई थी, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होना चाहिए? और उसके बाद उनकी सरकार में गुजरात में और राजस्थान में वहां से आए हुए प्रताड़ित हिंदू समाज के लोगों को नागरिकता दी गई, क्या वो उससे पीछे हटना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों लोगों के जीवन में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए, उनके जीवन में एक आशा, विश्वास, सुरक्षा, आस्था, पूजा पद्धति की समानता, गरिमापूर्ण जीवन देने का एक रास्ता प्रशस्त किया गया है। आज देश के 1101 शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए हैं उसका समर्थन किया है। अनेकों विश्वविद्यालयों से लगातार पत्र प्राप्त हुए हैं और इस पत्रकार वार्ता के पश्चात श्री संजय मयूख जी आप सबको उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा मानना है कि हम विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है, इसका जवाब देंगे। और आज हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों में एक विशेष संपर्क अभियान चलाकर हम घर घर जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा करके और देश में जो इन 3 देशों से आए हुए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर के भी रैली करेंगे। पार्टी देश में 250 से ज्यादा स्थानों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करेगी। हम देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में इस अभियान के समर्थन में और इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए पार्टी आने वाले 10 दिनों में एक लगातार अभियान चलाएगी। और हमारा मानना है कि देश की आम जनता शांति के साथ रहना चाहती है, लेकिन देश के माहौल में शांति के माहौल को भ्रम के माध्यम से अशांति में बदलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो भ्रम फैल रहा है उसको दूर करेंगे और हमारा स्पष्ट मानना है कि धीरे धीरे ये भ्रम टूट भी रहा है और सत्य लोगों के सामने आ रहा है। जेडीयू ने इस बिल का विरोध किया है, कहना
जेडीयू ने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने पूरी तरीके से स्टेटमेंट भी दिया है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो जेडीयू ने समर्थन किया है, हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता में जो तीन देशों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने का विषय है। जहां तक एनआरसी का विषय है वो एक प्रशासनिक विषय है, और एनआरसी में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। एनआरसी में जो भारत के नागरिक हैं वो सारे के सारे नागरिक के पंजीकरण करने का प्रावधान, और भारत के संविधान के भी अनुच्छेद 10 में ये प्रावधान है कि एक बार जो भारत का नागरिक है वह हमेशा भारत का नागरिक रहता है। इस द्वारा जो विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, हम संवाद के द्वारा उनको दूर करेंगे।